आप देख रहे हैं टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आपके साथ। देवोनी देवोरल देवोनी बधाई, मैं वर पाया राजा माही, मैं वर पाया राजा माही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद। आजकल मौसम में खुशहाली नजर आती है, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, वो हर 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 दिल खुश नजर आता है। कारण ये है कि 18 मार्च को शाम के ठीक 5 बजे बठिंडा के खेल स्टेडियम में आ रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज, जिनकी आमद पर पूरा बठिंडा खुश है। बठिंडा के साथ साथ डवाली में भी खुशी की लहर है, डवाली का हर नागरिक खुश है और दर्शन करना चाहता है गुरुदेव महाराज के। तो आइए जानते हैं क्या विचार और क्या है संस्कार। तो चलिए मिलते हैं डवाली के लोगों के साथ और सांझी करते हैं टू द पॉइंट जिंदगी पर उनकी खुशी और उनके अनुभव आर्ट ऑफ लिविंग के लिए। जिंदगी जिंदाबाद, टू द पॉइंट। 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम दिव्य मिलन के लिए बठिंडा शहर में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरु जी के शिष्यों ने सभी को दिया खुला निमंत्रण और नाच गाकर मस्ती के साथ खुशी का इजहार किया। श्री श्री के नाम, सुंदर सुरीली शाम, पहली बार श्री श्री रविशंकर जी बठिंडा में आ रहे हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं इस सुरीली शाम में। बठिंडा की सड़कों पर मस्ती के साथ झूमते हुए, नाचते हुए और भजन गाते हुए जब भी किसी को आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर निमंत्रण पत्र देते थे, तो निमंत्रण पत्र लेने वाले के चेहरे पर मुस्कान होती थी और वो कहता था, मैं जरूर आऊंगा 18 तारीख को। सभी डाबाली वासियों को बधाई, गुरु जी आ रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी 18 मार्च को स्टेडियम में शाम 5 बजे। आपने भूलना नहीं है और अपने परिवार से, अपने सभी मित्रजनों को, अपने सभी अड़ोस पड़ोस के साथ आना है। खूब जोर शोर के साथ, खूब उमंग के साथ और खूब तरंग के साथ इस उत्साह को, इस उत्सव को रंग लाना है। आप सभी का आमंत्रण है बठिंडा में 18 मार्च श्री श्री रविशंकर जी के साथ स्टेडियम में 5 बजे। जय जय गुरुदेव। जीवन में सुख है तो दुख भी है, पहाड़ है तो वहाँ खाई भी है, यदि समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। मीन्स अपोजिट वैल्यूज आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी यही आ रहे हैं बठिंडा में 18 मार्च को, हम चल रहे हैं, प्लीज आप भी चलिए। हमारे देश भारत की एक महान विभूति श्री श्री रविशंकर जी, जिन्होंने संपूर्ण भारत को सकारात्मक व प्रभावशाली ढंग से कैसे जिए इसका संदेश दिया है, वो हमारे ही शहर के निकटतम शहर बठिंडा में आ रहे हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उनका सानिध्य प्राप्त कर सके और उनके अनुभवों से लाभान्वित हो सके। तो इसके लिए हम सबको उनके निकट रह करके उनकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित करना है, तो ऐसा अवसर हमें शायद फिर कभी ना मिले। इसलिए आओ हम सब बठिंडा चले। कहते हैं कि किसी इलाके में अगर संत का आगमन हो तो उस इलाका का परम सौभाग्य होता है, और मुझे जानकर यह बहुत खुशी हुई कि आदि गुरु श्री श्री रविशंकर जी पहली बार इस इलाका में आ रहे हैं और वो भी होली के मुबारक मौके पर। निश्चित तौर पर उनको मिलकर, उनको देखकर, उनको सुनकर जहां एक तरफ रूह की खुराक पूरी होती है, दूसरी तरफ शख्सियत में भी निखार आता है। और मैं ये निवेदन करूंगा और आशा करूंगा कि जितने भी इस इलाका के लोग हैं
वो उनके आगमन का लाभ उठाएं और वहां पहुंचकर खुशियों के रंगों का भागीदार बने। जिंदगी डेस्टिनी और कर्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। लिखने का वक्त आ गया है, गुरुजी आ रहे हैं, आइए हम सब मिलके अपनी डेस्टिनी खुद लिखें। कहती है जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो परमात्मा कोई उंगली पकड़ाने वाला भेज देता है। परमात्मा अपनी उंगली पकड़ाने खुद आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं बठिंडा में दिव्य मिलन में, हम तो जा रहे हैं, आप भी चलेंगे, चलिए साथ। प्रिय साथियों, आज हमारे परम स्नेही परम श्रद्धेय गुरु श्री रविशंकर जी का निमंत्रण पत्र मिला, जो 18 मार्च का कार्यक्रम हमारे शहर के बिल्कुल नजदीक बठिंडा में होने जा रहा है। और सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें जीवन जीने की जो कला ये सिखाते हैं कि हमें जीवन में खुश कैसे रहना है, प्राकृतिक खुशी जो हमारे अंदर वो जगाते हैं, हमें वो उनके जो संस्कार है उसका अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम लोग वहां जाकर अपने जीवन को बदलने की एक कला सीखें ताकि हम हमें जीवन में सदा प्रसन्नचित रहे। धन्यवाद। आने वाली 18 तारीख को बठिंडा में आर्ट ऑफ लिविंग के मुख्य श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं और डवाली के अंदर इसका पूरा उत्साह है। डवाली में भी ऐसा लगता है कि डवाली में ही आ रहे हैं और मैं भी चाहता हूं कि डवाली के लोग गुरु जी की बातें सुने और बठिंडा पहुंचे। तो मेरी सबसे विनम्र निवेदन है कि वो आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रविशंकर जी, जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया और आने वाले समय में भी यही आशा है कि वो सद्भावना बनाने के लिए प्रख्यात हैं, तो उनके लगने वाले शिविर में पहुंचे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आजकल के समय में जबकि इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं परेशानियां चलती रहती हैं। हमें जीवन में कुछ भी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, या कोई बिजनेस करना है तो उसे सीखना पड़ता है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसका कोई कोर्स नहीं है। हम जैसे परिवार में रहते हैं, किस दोस्तों के साथ रहते हैं, उन परिस्थितियों के साथ हम जीवन जीते हैं। ऐसे में हमारे पास एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, आप सब लोग वैसे तो जानते ही होंगे, जीवन जीने की कला, जिसमें कुछ टेक्निक सिखाई जाती है पूज्य श्री श्री रवि शंकर जी द्वारा। सुदर्शन क्रिया जिसे कहते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया है जिससे हम इजीली अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो वो संस्थापक जो है पूज्य श्री श्री रवि शंकर जी 18 मार्च को बठिंडा आ रहे हैं, जो हमें ध्यान सिखाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ध्यान जैसी चीज हम ओल्ड एज में जाके जब बच्चों से फ्री हो जाएंगे, सब काम कर लेंगे, तब ये मेडिटेशन वगैरह सीखेंगे, लेकिन ये ध्यान हमें बचपन से ही जरूरी है। जैसे हम सब लोग छोटे बच्चे को भी कहते हैं कि बेटा स्कूल जाना है ध्यान से जाना, साइकिल चलाना है ध्यान से चलाना, पेपर देना है ध्यान से देना, लेकिन हम इसे सीखते नहीं है ध्यान कैसे करना है। तो इसका एक छोटा सा टेक्निक है सुदर्शन क्रिया, जिससे हम बहुत जल्दी गहरे ध्यान में जा सकते हैं और जब हम ध्यान में जाते हैं उससे हम कोई भी काम करते हैं एकदम फोकस्ड होकर कर सकते हैं। जो भी काम हम जीवन में करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि सब लोग जरूर बठिंडा गुरुजी का जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करने के लिए जरूर चलें। थैंक यू। जय गुरुदेव। बड़े सौभाग्य की गल है श्री श्री रवि शंकर जी 18 मार्च नूं बठिंडा पहुंच रहे हैं और सारे शहर वासियों के नाल नाल वर्चुअस क्लब भी उन्हां दा स्वागत करता है और बड़ी सब नूं खुशी है। आओ आपां सारे बठिंडा चलिए और गुरु जी का उपदेश सुनिए। हर परिस्थिति में कैसे खुश रहा जाए ये सीखा है आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य देव गुरुदेव रविशंकर जी। ज्ञान के सागर बठिंडा आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं उस ज्ञान की गंगा में सरोवर होने के लिए, आप भी चलें। सीखी है हमने जीवन जीने की कला, आओ चले बठिंडा गुरुजी से दर्शन करने के लिए। जीवन में जो भी विषम परिस्थितियां हम अपने महसूस करते हैं या झेलते हैं, उनका जो उपाय या उनका जो
सॉल्यूशन है वो हमारे बिल्कुल नजदीक पड़ा होता है, पर हम अपने ज्ञान से अवरुद्ध होकर या ज्ञान के विरुद्ध जाकर हम दूर कहीं उसको गहराइयों में ढूंढने में लगते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुजी के आशीर्वाद से, अध्यात्म की वजह से मैंने अक्सर ये देखा है कि मेरा बड़ी सरलता के साथ मैंने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा है, क्योंकि मैं अपने निकटतम और अपने वर्तमान में रहा। 18 तारीख को हम सब बिठंडा जा रहे हैं, श्री श्री गुरुदेव जी आ रहे हैं, आप सब भी हमारे साथ चलिए। अक्सर हम बाहर की परिस्थिति को, बाहर के लोगों को और बाहर की चीजों को बदलने में लगे रहते हैं। कितने लोगों को हम बदल पाए हैं, कितनी परिस्थितियों को हम बदल पाए हैं, कितनी चीजों को हम अपने मुताबिक ढाल पाए हैं। जरूरत है अंदर से बदलने की, आर्ट ऑफ लिविंग यही है। बाहर कुछ नहीं बदलता, बदलता है तो भीतर बदलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जिनको देखने से शांति हो जाती है, और जिनको देखने से, जिनको सुनने से मन ठहर जाता है। तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूं महकता हूं, बहकता हूं चहकता हूं। जी हां, एक ऐसी संत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके आने से फिजा बदलती है, फिजा में ठहराव आता है, परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी 18 मार्च को बठिंडा आ रहे हैं। बहुत कुछ बदलने वाला, हमने बहुत अनुभव किया, आपको भी यही प्रयास, यही निवेदन कि आइए और संगीत, ज्ञान और ध्यान की शाम को अनुभव कीजिए। डवल के नगर निवासी बहुत से लोग बहुत ही उत्साह में हैं, बहुत ही खुश हैं। होली के दिनों में भी दिवाली सा मंजर है, सब चहक रहे हैं, सब महक रहे हैं, सब उतावले हैं अपने गुरुदेव से मिलने के लिए। वो गुरुदेव ऐसी शख्सियत जिनको कि हम मिलने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, वही लोग, वही शख्सियत हमारे बीच में आ रही। डवाली निवासियों ने पूरी तैयारी कर रखी, सब लोग पूरे जोश के साथ 18 मार्च को यहां से चलेंगे, और इसके लिए निशुल्क बसें भी अग्रवाल धर्मशाला से 18 तारीख को 3:30 बजे चलेंगी, और वापसी शाम को 9 और 10 के बीच में डवाली हम पहुंचेंगे। वहां पे लंगर का भी इंतजाम है, खूब मस्ती का आलम छाने वाला है, और आप सभी से निवेदन कि आप सभी 18 मार्च को तैयार रहें। जय गुरुदेव। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू दी पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।